क्या ऐसा भी लग रहा है कि भाई जैसे अभी जो इंडिया के पास ऑप्शन है, जैसे पृथ्वी शाह इमर्ज किया है, नया टैलेंट है, या फिर और बाकी ओपनर्स के तौर पे ऑप्शंस हैं, राहुल हैं या फिर विजय भी हैं, ये भी एक रीज़न रहा कि भाई नए टैलेंट्स आ रहे हैं? और देखिए, मुरली विजय तो कहीं से भी नए टैलेंट नहीं है मुझे लगता है, हाँ बिकॉज अल्टीमेटली आप कभी अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखा। मैंने हमेशा ये बिलीव किया कि मैंने क्या बेंचमार्क सेट करना है और किस तरीके का लेवल सेट करना है वो मैं डिसाइड करूँगा, कोई और नहीं। मेरे को अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो जब मैं पहला रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था या चाहे मैं आखिरी रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड्स आप अपने लिए सेट करते हो वो आप किसी और को देख के नहीं करते, अपने आप में अपनी गेम पे बिलीव रख के करते हो। तो मैंने जो, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कभी भी किसी और को ना कभी किसी कंपटीशन को देखा है। मैंने हमेशा ये सोचने की कोशिश करी है कि मैं अपने आप को हर दिन कैसे बेटर कर सकता हूँ। मतलब पूरी जर्नी में सबसे सेटिस्फाइंग क्या रहा, अगर आपके साथ देखा जाए? 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल भी है, 2011 का भी वर्ल्ड कप फाइनल है, एक से एक टेस्ट इनिंग्स हैं। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं बच्चा था, मेरी अल्टीमेट ड्रीम यही थी कि देश को वर्ल्ड कप जिताना और देश की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर बनना। मैंने 1983 तो देखा नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ 2 साल का था उस टाइम पे, लेकिन उस मेरा मेरा हमेशा एक अल्टीमेट एम्बिशन ये था। और ऊपर वाले ने मुझे ऐसी दो अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पर मैं दो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर रहा हूँ, चाहे वो इनॉग्रल 2007 T20 हो, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो। वो मेरा एक अकेला लौता वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का। इमेजिन करो, जो लड़का सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेला है उसमें वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर बनता है, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन क्या हो सकती है। एक जैसे आपकी 97 की इनिंग्स रही, सब लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कई बार हाइंडसाइट में लगता है कि आप जब देखते होंगे आपकी इनिंग्स के बारे में बात होती है, धोनी के छक्के को ज़्यादा ओवर शैडो कर गया। कई बार ऐसा लगता है कि शायद 100 होता, वो 3 रन होते तो वर्ल्ड कप फाइनल में 100। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज महिला जयवर्धने के 100 को तो कोई भी नहीं पूछता। अगर मुझसे एक रात पहले वर्ल्ड कप फाइनल के कोई ये पूछता कि 97 आप बनाएंगे और वर्ल्ड कप जीते हुए, तो आप 97 लोगे या 100 बना के या वर्ल्ड कप ना जीतना लोगे? और आप बाकियों से पूछो, वीरेंद्र सहवाग से पूछो या किसी और से पूछो, 97 अगर उनको किसी ने बोला होता कि एक रात पहले कि आप 97 लोगे तो वो 100% लेते। बिकॉज़ वर्ल्ड कप फाइनल जब आप खेलते हो ना, तो 100 मैटर नहीं करता, वर्ल्ड कप जीतना मैटर करता है। बिकॉज इतनी बड़ी ओकेजन पे आपके इंडिविजुअल रन्स का कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो तो आई थिंक सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की एक विकेट भी, किसी की एक कैच भी, किसी के 10 रन भी। और अगर मैंने तो 97 बनाए थे, और वो भी आई थिंक, और वो भी विनिंग कॉज में। जब आप जीरो, जब आप एज अ बैट्समैन अंदर जाते हो तो सिर्फ आप जीरो लेके जाते हो, तो 90 से 1 रन बेटर होता है और 1 रन से 97 बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 100 नहीं बनाया। प्लस हमारे देश में ना एक ट्रेंड रहा है कि चाहे सौरव गांगुली जब कप्तान थे, MS धोनी जब कप्तान बने, या जब आप विराट कोहली कप्तान बनते हैं, कोई भी आप सीरीज़ जीतते हो तो सारा क्रेडिट आप कप्तान को ही देते हो, ठीक है? ये एक ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है, और ये आई थिंक मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब आप टीम स्पोर्ट खेलते हो तो कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम है, और अकेला कप्तान आपको कुछ भी नहीं जिता सकता। अगर अकेला कप्तान आपको कुछ जिता सकता होता ना, तो शायद इस दुनिया के सारे कप्तान सबको जीत चुके होते, ठीक है? अल्टीमेटली कप्तान, आप जो आपकी टीम जिस तरीके से परफॉर्म करेगी उतना ही अच्छा आपका कप्तान होगा। कप्तान को बॉलर भी चाहिए, कप्तान को बैट्समैन भी चाहिए, कप्तान को फील्डर भी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड है ना कि हर चीज़ का क्रेडिट कैप्टन को जाना, वो आई थिंक चेंज होना चाहिए। बिकॉज 2011 में आई एम श्योर युवराज सिंह से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। युवराज सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको भी उतना क्रेडिट नहीं मिला। सारा क्रेडिट MS धोनी को मिला, लेकिन युवराज सिंह की कंट्रीब्यूशन के बिना मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान कभी सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच पाता। बट उनके बारे में कोई वो ज़्यादा बात ही नहीं करता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज उस टूर्नामेंट में, 2007 T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में, 2011 में हरभजन सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जहीर खान का कॉन्ट्रीब्यूशन था, आई थिंक सचिन हाइस्ट रन गेटर थे, लेकिन बात हम हमेशा ये करते हैं कप्तान की, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। गौतम, ये बात आपने पहले भी कही थी 2011, मुझे याद है पहले इंटरव्यूज़ में भी, कि कप्तान जो आपकी एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि कप्तान सब कुछ ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं इसको। कई सर्कल में आज चूंकि आप रिटायर कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप बात करें, लेकिन आप ये बात पहले भी कर चुके हैं, कई जगह इसको गलत रीड किया गया, ऐसा इस तरह से रीड किया गया कि नहीं, गौतम गंभीर को अनकम्फर्टेबल है MS धोनी के साथ कैप्टन से, कई इस तरह की बातें रही हैं। लोगों का काम है कहना, इस देश में इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, और लोगों का काम है कहना।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एमएस के साथ आपके कैसे? बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ किसी और को देख के कभी चेंज नहीं होंगे। मैं सर्टन प्रिंसिपल्स पे रहूँ। मैंने जब टीम स्पोर्ट, जब मैंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट करी थी, तो मेरे कई प्रिंसिपल्स थे, मेरी कई सोच थी इस स्पोर्ट के बारे में कि टीम स्पोर्ट में 15 के 15 खिलाड़ी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक कप्तान है। अगर इंडिविजुअल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होना चाहिए या होता, तो उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना चाहिए। टीम स्पोर्ट में कप्तान के जो डिसीजन सक्सेसफुल उनकी टीम बनाती है, कप्तान नहीं। कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए उनके पास बॉलर्स भी होने चाहिए वो प्लान या वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के लिए, बैट्समैन भी होने चाहिए वो डिसीजन को बैक करने के लिए। ठीक है, कप्तान ने अगर डिसीजन बनाया और दूसरे के पास इतनी क्वालिटी ही नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके, तो वो कप्तान का डिसीजन कैसे सक्सेसफुल होगा? कप्तान का डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका प्लेयर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा टीम स्पोर्ट में। तो फिर सारी इंपॉर्टेंस कप्तान को क्यों? मैं पहले भी ये बात बोली है और मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ये बात बोलूँगा। मैं सिर्फ एम एस धोनी के लिए नहीं, मैं विराट कोहली के लिए भी ये बात बोलता हूँ कि आप सारा क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देंगे। आपके पास रोहित शर्मा है, रहाणे है, पुजारा है, आई थिंक ये आपके पास बुमराह हैं, अश्विन है, जडेजा हैं, आई थिंक ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी इंडियन क्रिकेट के लिए। तो सारा क्रेडिट कप्तान को क्यों? सौरभ गांगुली के टाइम से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पहले सौरभ को सारा क्रेडिट मिलता था, फिर एमएस को, विराट कोहली को। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज इसमें कई बार क्या होता है कि आप किसी को उस प्लेटफॉर्म पर लेके चले जाते हैं जहाँ पर बाकियों को लगता है कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, और जब बाकी प्लेयरों की कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तब कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आनी शुरू हो जाती है। तब कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि यार मेरे बारे में तो कोई कभी बात ही नहीं करता, अगर हम जीतेंगे तो सारा क्रेडिट किसी और को जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अच्छी टीम एक बिल्ड नहीं कर सकते। एक बात, जब आपने IPL जीता पहली बार KKR के लिए, और उस समय भी आपने एक बड़े ओपनर, आपसे पूछा गया था जैसे कि इंटरव्यूज़ में कि भाई आप इंडिया की कप्तानी के लिए तैयार है, आपने कहा कि अगर मौका मिलेगा, जो जाहिर सी बात है, तो मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ टेस्ट कप्तानी के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे चीज़ें, इससे भी लगा कि भाई क्या ओपनली इंडियन क्रिकेट में अपनी एम्बिशन, कप्तानी के एम्बिशन को एक्सप्रेस करना? ये बताओ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने ये कभी बोला हो कि मैं हिंदुस्तान की कप्तानी के लिए तैयार नहीं हूँ? हाँ, और किसने आज तक कभी मना किया होगा इंडिया की कैप्टनसी करने के लिए? मुझे आप एक ऐसा शख्स बता दो या एक ऐसा क्रिकेटर बता दो पूरी हिस्ट्री में कि जिसने कप्तानी करने से मना किया हो। ठीक है, कप्तानी करने के बाद ना रिजल्ट देने के बाद लोगों ने छोड़ी है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उसको कप्तानी मिल रही हो और उसने मना कर दिया। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं पता आपको, आपके दिमाग में या कोई ऐसा शख्स है जिसने मना किया हो? बिकॉज नहीं नहीं अल्टीमेटली हिंदुस्तान की कप्तानी करना, वो भी क्रिकेट की, बहुत बड़ा ऑनर है। हिंदुस्तान की कप्तानी करना किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा ऑनर है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो। तो अगर कोई आप किसी से भी पूछते, चाहे वो मुझसे आपने पूछा IPL जीतने के बाद, तो मैंने बोला मैं तैयार हूँ। अगर आप किसी और से पूछते वो भी यही कहता वो तैयार है, बिकॉज अल्टीमेटली आप चाहते हो कि आप देश की कप्तानी करो और अपने लीडरशिप स्किल्स दुनिया को दिखाओ। तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज़ इररेलेवेंट। बिकॉज इन हाइंडसाइड आपको लगता है कि कभी इसका नुकसान हुआ होगा कई लोगों को, मतलब पावर्स दैट बी में कि भाई इट इज़ ओके, ओवर एम्बिशियस है? अगर पावर्स को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, जिनके पास पावर है किस तरीके से वो पावर्स यूज़ करते हैं वो उनकी मर्जी है। अगर वो सही तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली देश आगे बढ़ेगा, अगर वो गलत तरीके से करेंगे तो देश पीछे जाएगा। अब अगर आप उस पोजीशन में हो या जिस भी पोजीशन में हो जहाँ पर आपकी ईगो इतनी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि देश कभी भी आगे जा सकता है। अल्टीमेटली देश तभी आगे जाता है जब आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर ये क्वेश्चन किसी और से भी पूछा जाता तो शायद वो भी यही आंसर देता। इसके बाद अगर किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगता है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं वही कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप वैसे कई कप्तानों के अंडर खेले, सौरभ की, MS, राहुल, अनिल भाई, इवन विराट के अंडर में भी, तो कौन सा कप्तान आपको, आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं? मतलब देखिए, इन सब में कप्तान तो आपने सबके नाम ले दिए, लेकिन इन सब में लीडर सिर्फ एक ही थे, वो थे अनिल कुंबले, राहुल द्राविड़, सौरभ गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली। लेकिन इन सब में लीडर सिर्फ एक ही था, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आज तक पब्लिकली कभी ये बात नहीं बोली कि मैंने हमेशा ये बोला कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उनकी टीम होती है। लेकिन इन सब में कप्तानों के अलावा एक लीडर थे, वो अनिल कुंबले, कि जिस तरीके से वो सेल्फलेस थे और जिस तरीके से वो ऑनेस्ट थे अपने प्रोफेशन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने ऑनेस्टी से कप्तानी करी है इस देश की, शायद अगर वो इस देश की ज़्यादा कप्तानी करते तो इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती। और मैंने अपनी लीडरशिप स्किल, कैप्टनसी नहीं, लीडरशिप स्किल उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। बिकॉज मुझे लगता था कि जिस तरीके से उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस में, 5 टेस्ट मैचेस उनकी कैप्टनसी में खेला, उनकी लीडरशिप में खेला, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप करी है, वो
उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो प्रॉब्ली वो हिंदुस्तान के एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान की ज़्यादा कप्तानी नहीं करी। तो ऐसे में क्या आप पर्सनली मायूस हुए थे जिस अंदाज में जब इंडियन टीम के वो कोच बने और जिस तरह से हटाए गए? एब्सोल्युटली, अगर आप अपने देश के लेजेंड्स को, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बैट्समैन जितने मर्जी रन बना लें, जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 रन बना लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर तो वो अनिल कुंबले। अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप, आई थिंक इससे बड़ा डिसग्रेस इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बड़ा डिसग्रेसफुल इवेंट इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं था कि अगर आप अनिल कुंबले जैसे स्टेचर के आदमी को, जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट खेले हैं और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उस टाइम पे आप मिट्टियाँ, आप रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है, अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हो तो प्रॉब्ली आई थिंक बीसीसीआई इस, आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बीसीसीआई की हार थी। बीसीसीआई को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की कुछ है तो अनिल कुंबले को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो इतना ज़्यादा कप्तान को पावर देना, जैसे विराट को, मतलब ये किसी से छिपी नहीं है, ये सबको पता है कि विराट कोहली नहीं चाहते थे और उनके रवि शास्त्री, इतना ज़्यादा का, आप भी कोलकाता केकेआर की कप्तानी आपने की आईपीएल की टीम में, इतना ज़्यादा एक कप्तान को इतनी पावर देना कितना ठीक रहता है? आई थिंक इतनी ज़्यादा पावर किसी को भी देना मुझे, मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता, बिकॉज अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट में आप सबके साथ मिलके चलते हो, ठीक है, आप सबके साथ मिलके चलते हो, आपका एक विजन होता है, आप सब, मैंने भी केकेआर की 7 साल कप्तानी करी है, ऑब्वियसली कई बार मैंने भी डिसीजन लिए कि इसको कोच बनना चाहिए, इसको कोच नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक वैलिड रीज़न होता है कि किस रीज़न से आप उसको कोच नहीं चाहते, क्या आप सेम विजन पे नहीं हो, क्या आपके, क्या आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, क्या आपको लगता है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, एक वैलिड रीज़न होता है। अगर आपके भी जॉब में कभी किसी को सैक करते हो तो एक वैलिड रीज़न के साथ सैक करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को आप पसंद नहीं हो या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अल्टीमेटली कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होते हैं, आप घर वालों को तो नहीं सैक करते या छोड़ते, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को आप सॉर्ट आउट करिए, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट के लिए अनिल कुंबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन क्रिकेट के लिए, बिकॉज जो उनका विजन था जब वो खेलते भी थे, उनका अल्टीमेट विजन था कि इंडिया से बाहर किस तरीके से करते हैं, परफॉर्म करता है, वो उनका अल्टीमेट विजन था। आप अभी इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं जीते हो, आप इंग्लैंड में हारे, आप साउथ अफ्रीका में हारे, इंडिया में, इंडिया हमेशा ही स्ट्रांग थी। तो अनिल कुंबले जैसे इंसान का जो विजन था, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जिस तरीके से उनको यूज़ कर सकती थी उस तरीके से उनको नहीं किया। तो ऐसे में क्या आपको हंसी आती है या अजीब सा लगता है कई क्रिकेटर से पूछा कि जब ये क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज टीम 15 सालों में, रवि शास्त्री ने क्लेम किया था? हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज नहीं उन्होंने देखी, बिकॉज हाँ वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया, एक शायद वहाँ पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज वो जीते थे, वही जीते थे, उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते हैं, बिकॉज इंडिया से बाहर ना, आप न्यूजीलैंड में जब हम जीते लास्ट टाइम तो आप 40 साल बाद जीते थे, आई एम श्योर कि 40 साल पहले तो रवि शास्त्री इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप पहली बार सीबी सीरीज़ जीते हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप कभी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते, आप इंग्लैंड में राहुल द्राविड़ के अंडर आपने ड्रॉ करी थी, जीती थी, मैं उसका पार्ट था, जीती थी, उससे पहले मुझे नहीं पता रवि शास्त्री कभी पार्ट रहे हैं उस टीम का कि जिसमें वो जीते। तो जब आप खुद कभी नहीं जीतते तब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो, और जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो तो आप ये कोशिश करते हो दुनिया को दिखाने की कि यार बाकी सबको आप डिग्रेड करते हो। तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना, स्पेशली जब इंडियन टीम के आप कोच होते हो तो ऐसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं बनती जब आप 4-1 हार के आए हो इंग्लैंड से। अगर आप 4-1 जीत के आते ना तब भी आपको हम्बल रहना चाहिए, और तब भी आपको ये नहीं कहना चाहिए, तब भी आपको ये कहना चाहिए कि दिस इज़ अ वर्क स्टिल इन प्रोग्रेस, आप और बेटर करना चाहते हो, आप और बेटर इस टीम को बनाना चाहते हो। 4-1 हारने के बाद आप अगर ऐसी स्टेटमेंट दोगे तो लोग सिर्फ हंसेंगे ही आपके ऊपर, सीरियसली तो आपको कोई भी नहीं लेगा। गौतम, आप भी इस स्टेज से गुजरे होंगे आई एम श्योर, उतने दिन आपने क्रिकेट खेला जब कप्तान या मैनेजमेंट या कोच आपको बैक नहीं करता है, जो स्टेज कई बार लोगों को लगता है कि भाई प्लेयर शायद उतना बड़ा हो जाता है,
जैसे आप टेस्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे का आप उदाहरण देख लीजिए, या फिर चेतेश्वर पुजारा का उदाहरण, या फिर आर अश्विन का भी देख लीजिए कुछ हद तक, या रविंद्र जडेजा का, आपके जो चार पांच कोर प्लेयर जो एक दो साल पहले तक आपके सबसे तगड़े प्लेयर माने जाए इंडिया में या ओवरसीज, सडनली आपको लगता है कि एक के बाद एक ये खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हुआ और उनका गेम बदला, पुजारा ने तो कुछ हद तक रिकवर कर लिया, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप अपने करियर के एक्सपीरियंस से बताएं इन खिलाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, बिकॉज आपको पता है स्पेशली जिस तरीके का पैशन इस देश में क्रिकेट को लेके है कि आपको पता है आप हमेशा आपके पीछे 10 या 15 या प्रॉब्ली 50 खिलाड़ी लगे हैं जो आपकी पोजीशन ले सकते हैं और कभी ना कभी लेंगे भी जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा चीज़, आप किसी को टेक्निकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए खेलने जाते हो तो आप एक फिनिश प्रोडक्ट होके जाते हो। मैं इस चीज़ में भी बिलीव नहीं करता कि जी एक यंगस्टर गया है वो सीखेगा, सीखना होता है वो रणजी ट्रॉफी में सीखना होता है। जब आप इंडिया के लिए खेलते हो वो होता है टाइम डिलीवर करने का, परफॉर्म करने का, टीम को जिताने का। सीखना इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट जाता है। जब आप फिनिश प्रोडक्ट जाते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ उनको दे सकते हो, वो है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो जब इंसान अपनी जगह के लिए खेलता है तो आप उसका बेस्ट नहीं ले सकते। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं टीम को जिताऊँ, वो ये सोचता है मैं अपनी पोजीशन कैसे टीम में रख सकूँ या मैं अपनी पोजीशन टीम में कैसे बरकरार कर सकूँ। जब वो ये सोच के खेलता है तो वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट होके खेलेगा, हमेशा एक शेल में रह के खेलेगा और वो किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी ठीक तरीके की। मैं ये नहीं कहता किसी को 50 चांसेस दे दो, लेकिन आप किसी को कम से कम एक या दो सीरीज़ दो, उसके बाद जज करो। आप किसी को एक या दो मैच के बाद नहीं जज करो। इनफैक्ट अगर जैसे आपने बोला अगर लड़के इनसिक्योर हैं तभी आपकी परफॉर्मेंस ऐसा शो भी कर रही है जब आप ओवरसीज जाते हैं। यही बात रोहित शर्मा ने भी कहा जब वो एशिया कप में गए, जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम है कि इस टीम को सिक्योर करना, मैं चॉपिंग चेंजिंग नहीं करूंगा। वो उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा एज ए लीडर, आपने पहले भी यू हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ, आपने लिखा कि यारों के यार हैं, कप्तानी भी जब करते थे। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर जिस तरह से गया, आपको लगता है कि मौके मिला भी उनको फिर से ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला, और कप्तान के तौर पर रोहित को आप कैसे देखिए? मैंने रोहित की इतनी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं देखी बिकॉज मैं रोहित की कैप्टनसी में कभी खेला नहीं हूँ। मुंबई इंडियंस के लिए अगेंस्ट खेला हूँ, तो अगेन देखो कप्तान बहुत बहुत लीडर के तौर पर, लीडर के हिसाब से देखो उनकी परफॉर्मेंस तो बताती है, उनके रिकॉर्ड तो बताते हैं। 3 बार वो IPL जीत चुके हैं तो इससे ज़्यादा उनको क्या प्रूफ करने के लिए रहेगी? अगर आप 3 IPL जीत चुके हैं तो आपके में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ, मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी वाइड बॉल क्रिकेट में कोई दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो वो रोहित शर्मा है, और उनके आसपास कोई आता भी नहीं है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, कोई भी नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन अभी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि रोहित शर्मा का जैसा टैलेंट है और जितना टेम्परमेंट है कि वो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाया। आई एम श्योर कि पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज आप 36-37 रन बना लेते हो, मुश्किल समय निकाल लेते हो, तो आप ऐसा शॉट नहीं एक्सपेक्ट करते रोहित शर्मा से, बिकॉज उनके पास इतनी शॉट है। आई एम श्योर वो भी खुद डिसअपॉइंटेड होंगे, और ये सीरीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये विकेट्स और ये कंडीशंस उनको सूट भी करेंगी उनकी गेम को। तो आई होप कि वो डिलीवर करें, बिकॉज वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रिकेट में भी। बिकॉज 5 और 6 नंबर पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपके लिए गेम चेंज करके दे सके, जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर हो, और रोहित शर्मा है वो इम्पैक्ट प्लेयर कि जो एक सेशन में आपकी गेम पूरी बदल के दे सकते हैं। तो आई होप दैट ही डज रियली वेल, बिकॉज प्रॉब्ली जितना उनके पास टैलेंट है उतना अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट और T20 में वो शायद और ज़्यादा डिलीवर करेंगे बिकॉज जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। तो उस लिहाज से तो विराट के लिए भी एज ए टेस्ट कप्तान ये अल्टीमेट सीरीज है, क्योंकि अगर देखा जाए उन्होंने जितने टेस्ट मैच एज ए प्लेयर खेले उससे ज़्यादा उन्होंने एज ए कैप्टन खेल लिए हैं, और टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं है उनके पास दिखाने के लिए। तो ये आपको लगता है ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में? देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी कप्तान के लिए इंडिया से बाहर जब वो जाते हैं वो अल्टीमेट चैलेंज होता ही है, चाहे आप MS धोनी से पूछ लीजिए, चाहे आप सौरव गांगुली से पूछ लीजिए, चाहे राहुल द्रविड़ से पूछ लीजिए। तो आई एम श्योर ही वुड बी डेस्परेट कि इंडिया को सीरीज़ जिताए, और जिस तरीके की अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, बिकॉज जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है इंडिया के पास बॉलिंग है उनको हर्ट करने के लिए, और जिस तरीके से हमने आज देखा है आपने ऑस्ट्रेलियन, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑस्ट्रेलिया में 80 या 90 ओवर खेल के 190 रन बनाएगी, बिकॉज इससे पता चलता है कि क्या उनका माइंडसेट है। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एक दिन में 400 रन बनाती थी और आज वो 190 रन बनाते हैं, तो ये पता चलता है कि कितना डिफरेंस है उन टीमों में और इन इस टीम में,
और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टीम जीत सकती है, 72 साल का सूखा तोड़ सकती है आपको? आई होप, बिकॉज इंडिया के पास बोलिंग है। टेस्ट क्रिकेट आपको सिर्फ बोलिंग जिताएगी और आपके पास चार ऐसे बॉलर हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं। और मैंने पहले भी बात बोली थी, इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में, बिकॉज आपको नहीं पता जब आप अगली बार इंग्लैंड जाएंगे कि इन सब में से कितने बॉलर्स फिट होंगे, बिकॉज चार साल के बाद इन सब की भी उम्र बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक आया है बहुत सालों में। हमारे टाइम पे जहीर खान होते थे, ईशांत इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन अब आपके पास सब कुछ है। अब छोटे छोटे तीन चार सवाल हैं गौतम, छोटे छोटे जवाब चाहूँगा। आप फ्यूचर क्या है गौतम गंभीर का? क्रिकेट से ही जुड़े रहेंगे, आईपीएल से, कोचिंग, केकेआर के साथ? कुछ भी नहीं सोचा एक्चुअली, अभी दो दिन है मेरे पास क्रिकेट के, तो उसके बाद बैठ के सोचूंगा कि क्या करना चाहूंगा, बिकॉज अभी दो दिन है तो कोशिश करूँ पूरा एंजॉय कर लूँ। फ्यूचर में कभी सोच सकते हैं, अभी नहीं, दो तीन साल बाद इंडियन टीम की कोचिंग गौतम गंभीर है? लगता है कि आपको है इंटरेस्ट कि भैया एज ए कोच? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं कोचिंग में घुसा, अगर मैं सोचूं कि कोचिंग में घुसने का, तो डिपेंड करता है कि मैं कितना अपने आप को कमिट कर सकता हूं और कितनी मैं कमिटमेंट दे सकता हूं, बिकॉज जो भी काम करूंगा 100% कमिटमेंट से करूंगा। कमेंट्री एक कहा जा रहा है, आपने थोड़ी बहुत कमेंट्री की भी है, कमेंट्री आपके नेचर में होगी क्योंकि आप जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, लेकिन इंडिया में जो कमेंट्री का कल्चर रहा है बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको सोचना है कि बीसीसीआई के बारे में नहीं बोलना है, कोई प्लेयर नाराज हो जाएगा, तो उस हिसाब से गौतम गंभीर को काफी एडजस्ट करना पड़ सकता आपको लगता है? अगर मेरे को एडजस्ट करना होता तो मैं जब खेल रहा होता तब करता, बिकॉज उस टाइम मेरे पास बहुत कुछ था खोने के लिए। आई थिंक कमेंट्री में मेरे पास कुछ भी नहीं ऐसे खोने के लिए। अल्टीमेटली मैंने हमेशा बोला है कि मैं कोई भी काम वो नहीं करता जो मेरा दिल नहीं मानता। अगर मेरा दिल मानता है कि कोई चीज़ मेरे को बोलनी है और वो ठीक है बोलने के लिए, अच्छे इंटरेस्ट में है, तो आई विल कंटिन्यू सेइंग इट। आपको लगता है 2008 से 2011 का जो तीन साल का जो गोल्डन पीरियड था वो डिफाइन करता है आपको? आई थिंक उससे ज़्यादा डिफाइन करता है मेरी ऑनेस्टी। रन तो बहुत लोगों ने बनाए हैं और रन बहुत लोग बनाएंगे भी, अल्टीमेटली किस ऑनेस्टी से आप खेले हो, बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरीके से आपने परफॉर्म किया वो मैटर करता है। बिकॉज देखो 10,000 रन बनाना या 20,000 रन बनाना कभी भी मेरी ड्रीम नहीं थी। मेरी ड्रीम थी वर्ल्ड कप जीतना, मेरी ड्रीम थी टेस्ट सीरीज जीतना इंडिया से बाहर, और दोनों में मैं पार्ट रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी सैटिस्फैक्ट्री। आखिरी सवाल गौतम, सब लोग जानना चाह रहे हैं, कई लोगों ने चर्चा भी की, खासकर आप ट्विटर पे जिस तरह से बोलते हैं, आपकी एक अपनी स्ट्रांग ओपिनियन रहती है, दूसरे मुद्दे पे भी पॉलिटिक्स, लग रहा है कि गौतम गंभीर पॉलिटिक्स में जाएंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे इस तरह की कई दिनों से? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, ना मेरे पास अभी कोई ऐसा आई थिंक एम है या कुछ ऐसी सोच है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, बिकॉज जो मैं मुद्दे उठाता हूँ वो एज अ सिटीज़न उठाता हूँ, और हर सिटीज़न के पास राइट है वो मुद्दे उठाने का, बिकॉज आप टैक्स पेयर हो, आप भी टैक्स पेयर हो, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं, तो जब आपको फैसिलिटी नहीं मिलती, जब आपकी एयर क्वालिटी ऐसी होती है, तो आपके पास पूरा राइट है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का, और उनके पास इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उसका रिप्लाई करने का और सही आंसर देने का, बिकॉज इसीलिए यही उनका काम है, इसीलिए उनको इलेक्ट और सिलेक्ट किया जाता है। और आपको सिर्फ सिलेक्ट इसलिए नहीं किया जाता कि आपको पोजीशन दी जाए और ऑफिस में बिठाया जाए, आपको इलेक्ट किया जाता है इसलिए कि आप जब एक कॉमन आदमी या एक सिटीज़न इस देश का आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका सही तरीके से जवाब दें, प्लस वो जो टैक्स पेयर है जो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देता है, और जब वो उसको फैसिलिटी नहीं मिलती तो आई थिंक ही हैज़ ऑल द राइट टू आस्क दोस क्वेश्चंस। चलिए लोकसभा इलेक्शन तो बहुत नज़दीक में है जो भी होगा, लेकिन क्या दिल्ली, चूंकि आप दिल्ली के हैं, फिगर हैं, दिल्ली का सीएम के तौर पे देख सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई? देखो मैं पॉलिटिक्स, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को पॉलिटिक्स इंटरेस्ट करेगा या नहीं करेगा, सीएम तो बहुत, बट यू डोंट रूल इट आउट, आपको मतलब अगर कोई पार्टी आपको इस तरह का दे कि भाई बड़ा रोल, बड़ी जिम्मेदारी, कि नहीं यंग फेस हैं आप चाहिए, तो आप इनकार भी नहीं करेंगे? देखिए बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जेनरली बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मैं इनकार करूंगा या नहीं करूंगा, बट हाँ मैंने ये चीज़ बिलीव करी है कि अगर कोई भी इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, बिकॉज पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का नशा नहीं है, सिर्फ पावर का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को बदलने की, और जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो तो आप एक कॉमन आदमी की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, उस कॉमन आदमी की ज़िंदगी आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप किसी और एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हो तो शायद सिर्फ आपकी क्रिकेट जो फ्रटर्निटी है वो आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो शायद जो रोड पे रिक्शा चला रहा है आदमी या जो रोड पे सड़क पे सो रहा है वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए और पूरे स्टेट की और देश को उस तरीके से आगे लेके जाओ कि वेयर इट बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। तो ये इस तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरे को गाड़ी पे लाल बत्ती चाहिए या कोई ऑफिस चाहिए या पावर चाहिए जिससे लोग मुझे पहचाने, लोग आपको आपके काम से पहचानते हैं, आपके नाम से नहीं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर, आपकी इनिंग्स क्रिकेट की इनिंग्स बहुत शानदार रही और क्रिकेट के बाद की जो इनिंग्स रहे वो भी इतनी शानदार है। थैंक यू वेरी मच।